नमस्कार, न्यूज सेट फोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धरने पर बैठे बैतूल विधायक नीलय डागा। शासकीय जेएच कॉलेज में धरने पर बैठे हैं विधायक, लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं बुलाने से वो नाराज हैं। कल हुआ भवनों का वर्चुअल लोकार्पण, विधायक ने प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगाया है। आमंत्रण पत्र में विधायक का नाम नदारद था। कॉलेज की प्राचार्य ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है, माफी मांगने के बाद भी नहीं माने विधायक। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने क्लास में घुसकर क्लास को खाली करा दिया। विधायक के धरने के कारण पढ़ाई बाधित हुई है, कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया है। सैकड़ों छात्र छात्राएं कॉलेज परिसर में बंद हैं। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन जिसमें छात्र परेशान हो रहे हों, ये भी सही नहीं है। राजेश भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, अभी क्या स्थिति है, विधायक माने या नहीं माने वहां पर? देखिए, अभी विधायक नीलय डागा बैठे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ और जो कॉलेज का मेन गेट है उसपे ताले लगे हुए हैं। हालांकि कुछ छात्राओं को उन्हें निकलने दिया है, लेकिन जो छात्र हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है और कुछ महिला टीचर्स हैं उनको भी जाने दिया गया है। दरअसल पूरा मामला इस बात को लेके पूरा विवाद शुरू हुआ कि जेएच कॉलेज, जो बैतूल जिले का सबसे बड़ा सरकारी कॉलेज है, यहाँ पर 3.5 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्ष बनाए गए थे। इन कक्ष का वर्चुअल लोकार्पण जो है वो कल हुआ था। इसको लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और प्रभारी मंत्री इंदर सिंह ने वर्चुअल लोकार्पण किया था। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ के जो सांसद हैं और स्थानीय जो पूर्व जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं उन लोगों को बुलाया गया था और शिलालेख में भी उन्हीं का नाम था। जब ये बात विधायक नीलय डागा को पता चली तो उन्होंने जीएच कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विजेता चौबे उनसे बात की, तो उन्होंने प्रिंसिपल ने विधायक को बताया कि उन्होंने लिस्ट लेके वो सांसद के पास गई थी और सांसद ने उनका नाम कटवा दिया, इसलिए उनका नाम आमंत्रण में भी नहीं आया है और शिलालेख में भी नहीं आया है। इसी बात को लेके उन्होंने नाराजगी जताते हुए आज जीएच कॉलेज में धरना दिया, यहाँ के गेट बंद कर दिए, ताले लगा दिए और उनका धरना लगातार जारी है। यहाँ पे प्रिंसिपल ने भी उनसे बहुत कोशिश की मनाने की, यहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और ये सीधे तौर पे जनप्रतिनिधि का, जो जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसका अपमान है और ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनका कहना ये है, सीधी मांग ये है कि भाजपा सांसद जो हैं वो आए और माफी मांगे, तभी उनका धरना खत्म होगा। हालांकि कभी भी गतिरोध वहां पर जारी है। एक तरीके से शुक्रिया राजेश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। ये अक्सर रहता है, नाराजगी रहती है जब दूसरी पक्ष की सरकार चल रही हो और कई बार अनदेखी होती है विपक्ष के विधायकों की। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उज्जैन में नगर निगम अवैध निर्माण पर लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार को प्रशासन ने अंकुश के अवैध निर्माण को डहा दिया। अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान सहायक आयुक्त, कार्यपालन यंत्री, भवन निरीक्षक समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो अवैध निर्माण कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये संदेश साफ दिया जा सका है। और इसलिए आज एक बार फिर से पीला पंजा चला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ ही मिनट्स में पूरे भवन को जमींदोज कर दिया गया। टीकमगढ़ के गोर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मैं गरीब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार के इंतजाम के लिए ही चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं। साथ ही टीकमगढ़ जनदर्शन यात्रा के दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ बच्चों से मुलाकात कर बातचीत भी की। उपचुनावों की घोषणा के कारण 7 जिले खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, देवास, निवाड़ी, सतना और अलीराजपुर में आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू हो जाने के कारण इन जिलों में अब चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ही काम होगा। इन जिलों में आचार संहिता लगने के कारण राज्य सरकार के कई अभियान 1 महीने तक प्रभावित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सरकार ने अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं, जिसमें से अभी 5 कार्यक्रमों के आयोजन बचे हैं। इन आयोजनों में 7 जिलों के हितग्राही भी शामिल हैं।
ऐसे में सरकार ने इन जिलों के हितग्राहियों को इन आयोजनों से हटा रही है, क्योंकि इन आयोजनों को लेकर चुनाव आयोग की अनुमति भी लेनी पड़ सकती है। 30 सितंबर को निमित जिले में उद्योग विभाग का कार्यक्रम होगा। 1 अक्टूबर को पीएम आवास योजना के भवनों का गृह प्रवेश किया जाएगा। 4 अक्टूबर को जल जीवन मिशन के योजनाओं का भूमि पूजन होगा। 6 अक्टूबर को स्वामित्व योजना में भू अधिकार पत्रों का वितरण किया जाएगा। 7 अक्टूबर को कोविड बाल सेवा योजना की राशि वितरण होगा। हमारी पार्टी और हमारी सरकार संविधान में विश्वास रखती है और आचार संहिता का पूरी सख्ती के साथ पालन होगा। शुचिता की राजनीति करने के लिए हम हर समय आगे रहते हैं। चुनाव आयोग के जो जो दिशा निर्देश हैं, जो जो आचार संहिता है, उसका पूरी तरह पालन होगा। 7 जिलों में आचार संहिता लागू होने के कारण कांग्रेस ने अब ये मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को लेकर चल रहे आगामी सारे आयोजन निरस्त होने चाहिए। कांग्रेस इस बारे में चुनाव आयोग को भी ज्ञापन देगी। उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके बावजूद मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के महोत्सव के महान बहाने कई सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है योजनाओं के नाम पर हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की चेष्टा हो रही। मैं चुनाव आयोग से ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी कि तत्काल इन कार्यक्रमों पर रोक लगाई जानी चाहिए, चूँकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और 7 तारीख तक जो निर्धारित कार्यक्रम है शासन के जो इवेंट्स हैं, इन सारे इवेंट्स पर तत्काल चुनाव आयोग संज्ञान ले और रोक लगाए। आचार संहिता भले ही 7 जिलों में लगी हो, लेकिन इन दिनों वर्चुअल कार्यक्रम के कारण सारे प्रदेश में एक ही स्थान से आयोजन हो जाते हैं। लिहाजा कांग्रेस की मांग पर चुनाव आयोग क्या निर्णय करेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उपचुनाव के कारण एक महीने के लिए सरकारी कामकाज का थमना तय माना जा रहा है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें उपचुनाव में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगा, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, पार्टी को जीत दिलाएंगे। भूपेंद्र सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और अब राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में भी जुट गई है। इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उन्हें चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सबसे पहले तो इसे कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं चुनाव? देखिए, चुनाव तो कोई भी हो निश्चित रूप से चुनौती होती ही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनौती मान के ही लड़ती है। हम लोग जब से उपचुनाव की परिस्थितियां बनी है तब से पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है और भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, इसलिए हमारे यहाँ 12 महीने कार्यक्रम चलते हैं विचार को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, समाज को लेकर, सेवा को लेकर ये कार्यक्रम चलते हैं। तो हमारी चुनावी तैयारी हमेशा रहती है और उस दृष्टि से पार्टी पूरी तरह से चुनाव में तैयार है। जहाँ तक प्रबंधन का सवाल है तो एक 10-12-15 लोगों की टीम होती है प्रबंधन में, उस टीम में मैं भी हूँ और वो टीम चुनाव का पूरा जो कैलेंडर है, प्रचार साहित्य है, हमारी सरकार की उपलब्धियाँ हैं, नेताओं के दौरे हैं, कार्यक्रम है, आयोग से संबंधित कोई चीज़ें हैं, तो इन सब विषयों पर प्रबंध समिति नज़र रखती है और कोऑर्डिनेट करती है। तो ये प्रबंध समिति काम करेगी और मुझे विश्वास है कि चारों विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजय प्राप्त करेगी। यद्यपि इसमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, अधिकांश समय कांग्रेस के पास रही है, पर हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे
और कोशिश करेंगे कि चारों सीटों पर हम लोग जीतें। फिर यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जी को भी यही है कि चारों ही सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में जीत किसकी होती है। वीडियो न्यूज अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज टेक, भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि ये पब्लिक है जो सब जानती है। ले रहे हैं वो अभी, और मेरी प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ हों। जब सेनापति ही नहीं है तो सेना की चर्चा क्यों करें अपन? स्वाभाविक रूप से नहीं दिखेंगे वो, और उनको मालूम है कि इन चुनावों में हारने वाली है कांग्रेस, ये सबको दृष्टिगोचर हो रहा है। जब उन्हें अवसर मिला तो उनने कुछ किया नहीं, अब सिर्फ हमारे ऊपर उंगली कब तक उठाएंगे? जनता समझ गई है उनको, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले कन्हैया लाल और जिग्नेश को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और उन्हीं टुकड़ों के सहारे से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है। देखिए, कांग्रेस का निर्माण गुटों के आधार पर हुआ है, कार्यकर्ता के आधार पर नहीं हुआ। न तो उसकी कोई नीति है, न नियत है, न नेता है, और इसलिए कमलनाथ जी अपने गुट के लोगों से, यहां तो गुट के हैं, कमलनाथ गुटका, दिग्विजय गुटका, पचोरी गुटका, राहुल गुटका, अजय सिंह गुटका, ये गुटके हैं कांग्रेस के अंदर। गुटके ये गुटकों के हिसाब से चल रही है, तो उनने अपने गुटके एक माननीय सज्जन वर्मा जी से बात कर ली, इसमें क्या बुराई है? दिग्विजय सिंह अपने गुटके से बात कर लेते हैं, पचोरी जी अपने गुटके से बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में मध्यान्ह भोजन को हाईटेक बनाने का निर्णय लिया गया है। शिवराज सरकार ने इसके लिए मध्यान्ह भोजन बदलाव करने का फैसला लिया है। बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर मध्यान्ह भोजन खाते हैं, लेकिन अब पत्थर की बेंच और पत्थर की टेबल बनाई गई है, यानी पहले से ज्यादा हाइजेनिक होगा। मध्यान्ह भोजन कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से बातचीत की शुभम गुप्ता ने। देश भर में पहली बार मध्य प्रदेश में ये तस्वीर देखने को मिलेगी कि मध्याह्न भोजन टाटपट्टी पर नहीं बल्कि डाइनिंग टेबल पर बच्चे करते हुए नजर आएंगे। ये नवाचार मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया है। सर, अब तक हम देखते आ रहे हैं शुरुआत से ही कि बच्चे जो है मध्याह्न भोजन टाटपट्टी पर करते हैं, एक नई चीज़ आप शुरू करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से शुरू करने नहीं जा रहे हैं, शुरू कर चुके हैं। और जिस दिन मैंने विभाग का प्रथम चार्ज लिया था, पहला निर्देश और आदेश मेरा यही था कि बच्चे टाट पट्टी पे नहीं बैठेंगे, ना पढ़ेंगे, ना खाना खाएंगे, उनके लिए टेबल और डाइनिंग टेबल्स होना चाहिए। तो मनरेगा के माध्यम से हमने पत्थर की बेंचेस और पत्थर की ही टेबल हम लोगों ने बनवाई है। 26,000 स्कूल्स में हमने प्रथम लॉट में लिया है और धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल्स में हम ये नवाचार स्टार्ट करेंगे, जो भारतवर्ष में पहला है। भारत सरकार ने भी इसकी तारीफ की है, इस पूरे मॉडल रूप से तारीफ की है, और जो भी इसको सुनेगा वो तारीफ ही करेगा। आप चाहेंगे ये मॉडल पूरे देश भर में लागू? पूरे देश में होना ही चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये ताज्जुब की बात है। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश में बच्चे मध्याह्न भोजन टाटपट्टी पर नहीं बल्कि डाइनिंग टेबल पर करेंगे। साथ ही साथ इस मॉडल की सराहना भारत सरकार ने भी की है और मंत्री को उम्मीद भी है कि इस मॉडल को जल्द ही देश भर में लागू किया जाएगा। वीडियो अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज टेक, भोपाल। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल पर दिए गए बयान के बाद दिग्विजय सिंह पर लगातार कानूनन कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ लीगल नोटिस दायर किया है। इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि अगर दिग्विजय सिंह 7 दिनों के अंदर दिए गए बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई इस लीगल नोटिस के माध्यम से करवाई जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्ण शराबबंदी को लेकर रायपुर में बैठक। मार्च 2019 में समिति की हुई पहली बैठक, सरकार बनने के बाद पहली बार बैठक, पूर्ण शराबबंदी लागू होने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में शराबबंदी पर नहीं हो सका कोई फैसला। 20 सामाजिक संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए, आबकारी विभाग के सचिव और अपर सचिव भी इसमें शामिल हुए। ज्यादातर सामाजिक संगठनों ने शराबबंदी का समर्थन किया है। तो ये एक तरीके से पहली बैठक थी जो समिति बनी, क्योंकि कई बार इसको लेकर सवाल पूछे गए।
आखिरकार बैठक तो हुई लेकिन इसमें शराबबंदी को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया है। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश, आखिरकार बैठक हुई है समिति की, सवाल हमेशा पूछे जाते थे कितनी बैठक हुई समिति की, आज क्या चर्चा रही इस बैठक में? देखिए, छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी के वादे को लेकर कांग्रेस सरकार में आई थी और कांग्रेस के वादे को लेकर बीजेपी इसका लगातार विरोध करती रही है। हालांकि वादा किया था और वादे जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उसको पूरा करने का वचन जो कांग्रेस ने लिया था उसके लिए बाकायदा कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब सरकार में कांग्रेस आई तो सरकार बनने के बाद मार्च 2019 में एक समिति बनाई गई थी जिसको पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए विस्तृत चर्चा करके उसमें सामाजिक संगठनों को जोड़ा गया था। सामाजिक संगठनों से ये राय मशवरे के बाद ये निर्णय लेना था कि शराबबंदी की जाए तो कैसे की जाए, शराबबंदी करना कैसे संभव है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होनी थी। लेकिन लगभग 3 साल बीत जाने के बाद बैठकें जो है वो नहीं हो पा रही थी। हालांकि 2 साल कोरोना का समय रहा और कोविड काल में इस तरीके की बैठक जो है वो हो पाना संभव नहीं था, लेकिन जैसे तैसे लगभग 3 साल का समय बीता और उसके बाद अब ये बैठक हुई है। लगभग 3 साल बीत जाने के बाद पहली बार ये बैठक हुई है। बैठक में 20 सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए थे और 20 सामाजिक संगठनों से बैठक करने का कारण यही था कि राय मशवरा किया जाए किस तरीके से प्रदेश में शराबबंदी लागू की जा सकती है, इसको लेकर चर्चा हुई। चर्चा में आबकारी विभाग के 2 बड़े सचिव स्तर के और 2 अपर सचिव स्तर के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। विस्तृत चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा में अधिकतर सामाजिक संगठन जो है उन्होंने अपने पक्ष जो रखा है उसमें सहमति ज्यादातर लोगों ने जताई है कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। पूर्ण शराबबंदी के सहमति के बाद भी इस पूरी बैठक में कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि उस पर गुण दोष के आधार पर भी चर्चा हुई है, लोगों से ये चर्चा भी की गई है कि आखिर शराबबंदी के दुष्परिणाम क्या होंगे। कुछ लोगों ने सलाह भी दी है कि इस पूरे मामले में महिलाओं को आगे किया जाए, महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाए और महिलाओं को इस पूरे अभियान में शामिल किया जाए। कई तरह की बातें हुई हैं लेकिन कुछ अधिकारियों की तरफ से जो तर्क दिए गए हैं उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अगर प्रदेश में शराबबंदी लागू होती है तो अन्य प्रदेशों से अवैध शराब की बिक्री जो है वो बढ़ जाएगी, अवैध कारोबार बढ़ेगा, राय मशवरा होगा। राय तो यहाँ पर आ रही है कि शराबबंदी होनी चाहिए, इस पर अमल कितना होता है ये देखने वाली बात होगी। अंकुश, आप बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर यह है कि विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक हुई है। राजभवन में ये समन्वय समिति की 27वीं बैठक है। बैठक में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मंत्री टीएस सिंहदेव, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हैं। बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 27वीं समन्वय समिति की बैठक, राज्यपाल अनुसुईया उइके इस बैठक में शामिल हैं, मंत्री टीएस सिंहदेव, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद हैं। अंकुश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुश, क्या अपडेट बैठक को लेकर? देखिए, बैठक जो है काफ़ी देर चलने के बाद बैठक खत्म हो गई है और अब कुछ ही देर में बैठक के में क्या विषय रहे हैं, कौन कौन विषय पर निर्णय हो पाए हैं उसकी थोड़ी देर में जानकारी आने वाली है। फिलहाल अगर एजेंडों की बात करें तो 6 एजेंडे इस बैठक में रखे गए थे। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता कैसी बढ़ाई जाए, अध्ययन के लिए छात्रों को विद्यार्थियों को आकर्षित कैसे किया जाए और इसके अलावा जो चयन प्रक्रिया है उसमें आरक्षण और प्रिंसिपल और कर्मचारियों के लिए किस तरीके से सुविधाएँ दी जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होनी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल इस बैठक में शामिल हुए हैं, प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। बैठक में 2 जो अनुमति प्रस्ताव थे उस अनुमति प्रस्ताव भी रखे गए हैं। हालांकि जो विश्वविद्यालय के जितने भी प्राचार्य हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं वो इसमें शामिल हुए थे। बैठक जो है अभी अपडेट यही आया है कि कुछ ही देर पहले बैठक जो है वो समाप्त हुई है और उसके बाद अब एक प्रेस रिलीज जारी की जाएगी जिसके बाद ये बताया जाएगा कि प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर समन्वय समिति की जो बैठक हुई थी उसमें कौन कौन से डिसीजन लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2 सालों तक कोविड काल में सभी कॉलेजेस बंद थे, विश्वविद्यालय बंद थे, उसके बाद भी शिक्षा के गुणवत्ता में जो कमी आई है उसको कैसे सुधारा जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। और उसके बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके की तरफ से क्या क्या बातें रखी गई हैं, उन्होंने अपना क्या किस तरीके का पक्ष रखा है, उन तमाम विषयों की जानकारी भी कुछ ही देर में आने वाली है। बैठक जो है लेकिन अभी फिलहाल खत्म हो गई है। शुक्रिया आपका अंकुश, आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो थोड़ी देर बाद तमाम अपडेट इस बैठक को लेकर सामने आ जाएंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री
सीटी रवि बिलासपुर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के परसदा में उनके घर पर मुलाकात हुई। आज बिलासपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। इस दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम, महामाया दर्शन और अनुसूचित मोर्चा के जिला स्तरीय बैठक में भी वो शामिल होंगे। शहडोल में खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर वंदना वैद्य के निर्देशन में रेत का अवैध उत्खनन करते दो मिनी ट्रक, एक हाइवा और जेसीबी मशीन को माइनिंग विभाग ने जब्त किया। जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जरवाही सोन नदी के बटली घाट में माइनिंग विभाग ने यह कार्रवाई की। माइनिंग विभाग ने मौके से कई वाहन और दो वाहन चालकों को भी गिरफ्तार किया। आज कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ग्राम बटली टोला में जहाँ सोन नदी है तो वहाँ पे हमें क्या अवैध उत्खनन की सूचना मिली थी। तो हमारे अमले के द्वारा तकरीबन 3 बजे वहाँ पहुँचकर अवैध उत्खनन अपहरण किए जा रहे जेसीबी मशीन और 3 वाहनों को जब्त किया गया। मौके पे पुलिस के अमले को बुला के जो वाहन थे जिनके चालक भाग गए थे तो उनको यहाँ पर लाया गया। फिर छिंदवाड़ा में पुलिस ने नितिन शुक्ला के घर पर छापेमारी कर करीब 10 से 11 पेटी देसी और विदेशी शराब बरामद की। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अवैध शराब की कीमत करीब 1,03,000 बताई जा रही है। इससे पहले भी पुलिस ने आरोपी को शराब की पेटी के साथ पकड़ा था। सूरजपुर में हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने प्रतापपुर में ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। मामला उस वक्त और बढ़ गया जब डरे सहमे ग्रामीणों को ढांढस बंधाने आए प्रतापपुर रेंजर के साथ ग्रामीणों की तूतू मैमै हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने रेंजर के साथ मारपीट करने की कोशिश की। हालांकि मामला आगे बढ़ पाता उससे पहले ही पुलिस ने बीच बचाव कर ग्रामीणों को हटा दिया। खबर देवास से है, जहां के नीमावर में गाय के शव को क्रूरता से ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लटकाकर ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि नगर परिषद के कर्मचारी मृत गाय के पैरों को ट्रॉली के पीछे लटकाकर ले जा रहे हैं। वहीं घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। नगर परिषद सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पर यहाँ पे नगर परिषद द्वारा जो नगर नेमा और नगर परिषद द्वारा एक जो ट्रैक्टर के द्वारा पीछे बांध कर गौ माता को जो जिस प्रकार से मतलब जैसे कि मतलब कि उसको ट्राली में भी डाल सकते थे, पर उसको पीछे बांध कर जैसे कि मतलब कि जो रहते हैं ना कि उसको पूरी तरीके से मतलब निंदनीय काम करा है, जो घसीटते हुए ही दिख रहा है वो तो जी जी। तो हम चाहते हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी है उस पर भी कार्रवाई की जाए और जो उसके मतलब कि जो भी उसमें हैंगे जो भी लिप्त हैं जो कार्यकर्ता हैं वो भी उसको मतलब कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्वालियर में बेखौफ चोर ने इंदरगंज थाने से चंद कदम दूर पर एक शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ चोर ने शोरूम में सेंध लगाकर वहां रखा एक स्कूटर और गैस सिलेंडर पर अपना हाथ साफ किया, जिसकी सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बदमाशों के हुलिये के आधार पर शहर के ऐसे अपराधियों की खोज खबर लेना शुरू कर दिया है जिसका हुलिया इस व्यक्ति से मिलता जुलता है। आशंका जताई जा रही है कि चोर नशे का आदी हो सकता है। गरियाबंद जिले की महिलाएं अब अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही पद्मश्री फूलबासन बाई ने इसके लिए बीड़ा उठाया है। रिपोर्ट देखिए। राजनांदगांव जिले के तर्ज पर अब गरियाबंद जिले के ग्रामीण महिलाएं भी घर की चार दीवारी से निकलकर कुछ करने को तैयार है। जिले में महिलाओं को स्वरोजगार, सुरक्षा और स्वच्छता से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। राजनांदगांव से पहुंची ट्रेनी अपने अनुभव साझा कर महिलाओं को तैयार करने में जुटे हैं। फूलबासन जैसे राजनांदगांव को एक
छीन दे रहे हैं। इसी तरह हमारे देवो ब्लॉक में जो महिला लोग हैं पीछे हैं, कोई बोल नहीं पाते, घर से निकल नहीं सकते, इसलिए दीदी का जो काम देख के मैं हमारे क्षेत्र के महिला लोगों को 50 लेके गई थी आजीविका दिखाने। और हमारे क्षेत्र में नशा मुक्त और शिक्षा और बेरोजगार जो हैं उन लोगों को रोजगार दिलाने और शिक्षा कराने के लिए हमारे देवो ब्लॉक और गरियाबंद जिले को आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोगों का साथ महिलाओं को जागरूक करने के लिए फुलवासन बाई स्वयं 3 दिन गरियाबंद में है। पहले चरण में 50 समूह की 100 महिलाओं का चयन किया गया जिन्हें दबंग दीदी का नाम दिया गया है। ये समूह की महिला हैं और 12 महिला समूह में 2 महिलाओं को छाड़ के जो दबंग दीदी के रूप में तैयार होती है, जो कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहती है, उसके लिए हम लोग महिला फौज बना है। इनका काम रहेगा शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, रोजगार और नशा मुक्त गाँव और समाज में, इसके लिए काम करते हैं। और बाकी काम महिलाएं धीरे धीरे इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार में, जैसे गांव में बड़ी मिर्ची अचार, बड़ी पापड़ है, कोई भी सामान है वो जिले तक जाए और एक हमारा महिला बाजार हो। लक्ष्य बड़ा है, इरादे नेक है, डगर कठिन है मगर हौसले बुलंद है। मंजिल पर पहुंचने की शुरुआत हो गई है, लिहाजा अब देखना होगा कि महिलाएं मंजिल तक पहुँचने का अपना ये रास्ता कैसे तय करती है। धनेश्वर साकू, गरियाबंद न्यूज स्टेट। और छोटे से ब्रेक के यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।